नमस्कार दोस्तों, SDK टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्राफ्टी कंपनी का जो स्विच बोर्ड है, इसको कैसे फिटिंग करता है, इसके साथ क्या क्या आता है और इसका कनेक्शन कैसे देता है, ये सब आपको दिखाऊंगा। अब आप देखते हैं, ये है स्विच बोर्ड। ये एक कोबार और एक पैनल बोर्ड आता है। पैनल बोर्ड में स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह फिटिंग करना पड़ता है, और कवर को लास्ट टाइम जब आपका बॉक्स के साथ फिटिंग हो गया तब कवर को लगा देने से ये स्विच बोर्ड दिखने में अच्छा होता है। और देखिए ये सब, इसके लिए दोस्तों इसी कंपनी का स्विच बोर्ड चाहिए, स्विच चाहिए, स्विच सॉकेट वगैरह इसी कंपनी का होना चाहिए। ये देखिए मैंने खोल के रखा है, ये क्राफ्टी कंपनी का ही है, ये सॉकेट है। इसको 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 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाने में बड़ा आसान है। देखिए ये ऑन लिखा हुआ है, ये आप ऊपर की तरफ दीजिए, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे लगा दीजिए, कुछ टेंशन नहीं है। वो इसको इसको लगा के टाइम पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल है। इसका वायरिंग भी बहुत सिंपल है, देखते हैं इसको भी लगा के देखते हैं। ये हुआ फिटिंग हो गया, दूसरी फिटिंग हो गया, और दो दो करके और सारे स्विच का आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए सिंपल है, ये इसे प्रेस कर देना है और इसको भी इसे ऐसे ही लगा कर। आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऑन का जो सिग्नल है ये ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो ये स्विच आपका गड़बड़ हो जाएगा, लगा ऑन करने से ऑफ हो जाएगा, ऑफ करने से ऑन हो जाएगा। तो आप एक साइड ऊपर ही लगा लीजिए तो एकदम परफेक्ट होगा, इसमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा स्विच हुआ एकदम फिटिंग हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगा। अगर वो स्क्रू वाला तो अभी दो सॉकेट ही दो स्विच ही लगा सकता था इस टाइम में। ये इसका कवर है, कवर को आपको लगा कर दिखाऊंगा। देखिए ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, इसको लगाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है मैं भी बताता हूँ। इसको अभी नीचे वायरिंग कनेक्शन वगैरह करना है, कनेक्शन करने के लिए ये से एक तार बनाना है आपको, वो कॉपर का वायर होना चाहिए, कॉपर का वायर होने से अच्छा होता है, लास्टिंग ज़्यादा होता है और शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा आपका। ऐसे वाला आप वायर बना लीजिए थोड़ा काट के, और इसको दिला करके इसके अंदर अब जो भी स्विच हो, स्विच बोर्ड हो, जिस कंपनी के भी हो, आप नीचे की तरफ डायरेक्ट लाइन का जो कनेक्शन है वो दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑन होने से ऊपर की तरफ करंट जाएगा, और जब तक ऑन नहीं होगा नीचे की तरफ ही करंट रहेगा। ये देखिए अभी इसको टाइट कर दीजिए, नॉर्ज स्क्रू वगैरह मैं ये टाइट कर रहा हूँ। ये देखना है आपको, ये टाइट अच्छी तरह होना चाहिए, नहीं तो आप जब भी मोटर या फैन या जो भी चला गए तो इसमें धुआं निकल आने का संभावना होता है। ये नीचे की तरफ भी लगा लीजिए, ये भी दो स्विच है, इसको ऐसे इसको भी लगा देते हैं तो कनेक्शन दोनों तरफ से एक ही होगा, मेन कनेक्शन होगा ये। अभी इसको प्लस कनेक्शन लगाने से एकदम परफेक्ट होता है। अभी यहाँ से सॉकेट का जो स्विच लगाना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का एक रूल है, प्लस जो होता है प्लस पॉजिटिव जिस जिस लाइन में भी होता है इसको राइट साइड में लगाता है, सॉकेट हो या वायरिंग वगैरह हो, तो ये ध्यान रखिए आप लोग भी, तो इसमें राइट साइड में लगाना ज़रूरी है। ये मैं लगा रहा हूँ राइट साइड में, और इसको
आपको मैं ये स्विच के ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, ऊपर वाला, ये वाला ऊपर। तो इस स्विच को ऑन करने से ऊपर की तरफ करंट आएगा तो आपका सर्किट चलने लगेगा, नहीं तो आपका सर्किट काम नहीं होगा। ये मैं टाइट कर देता हूँ, ये हो गया आपका कनेक्शन, ओके। अब देखिए थोड़ा ध्यान की, ये कप्ती कंपनी का L1 L2 लिखा होता है यहाँ पर, देखिए यह स्विच में नीचे वाला L1 होता है, L1 में आपको डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए और L2 से आप स्विच वो फैन वगैरह बल्ब वगैरह पर कनेक्शन कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं होता है। और इसके माइनस कनेक्शन भी देना होता है, माइनस कनेक्शन आप यहाँ दे दीजिए, ये जो मैंने स्विच का लगाया है इसका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अभी यहाँ 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 माइनस कनेक्शन दीजिए, आपका सॉकेट एक, आपका स्विच बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है, इसे कोई टेंशन लेने का नहीं है। और इसका स्क्रू भी दिया है इसके, इस कंपनी ने, ये देखिए अच्छी तरह आपको दिखा था, इसमें से इस पैकेज में ही आता है स्क्रू वगैरह, ये वाला सारे स्क्रू है, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लगा सकते हैं, आपका बॉक्स कहाँ जहाँ पर भी ऑप्शन है तो खुद इस ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। आज के लिए दोस्त इतना ही, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।